पुअर थिंग्स, ये एक साइफाई कॉमेडी फिल्म है जो वीओडी पर इंग्लिश में रिलीज हुई और अब फाइनली मैं ये फिल्म देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस फिल्म को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चले बिना को टाइम वेस्ट करके बात कर लेते हैं कि मेरा इस फिल्म को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस फिल्म में देखेंगे कि 19th सेंचुरी का दौर है और एक यंग लड़की बेला को एक साइंटिस्ट अपने एक अजीब से एक्सपेरिमेंट के बाद दोबारा से जिंदा कर देता है और फिर वो लड़की अपनी लाइफ में क्या क्या अजीब चीजें एक्सपीरियंस करना शुरू करती है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखकर कैसा रहा। तो सच कहूं तो भाई वाह, मजा आ गया फिल्म देखकर। ये फिल्म एक काफी यूनिक और मजेदार सा एक्सपीरियंस है। ऑल्दो फिल्म का कॉन्सेप्ट सुनकर हो सकता है आपको फ्रैंकेनस्टाइन से मिलती हुई कहानी लग रही हो, लेकिन ऐसा है नहीं। फिल्म की कहानी बहुत अलग है, कुछ थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी जरूर है, लेकिन ओवरऑल कहानी फिल्म की काफी डिफरेंट है। जो सेल्फ डिस्कवरिंग जर्नी आपको इस फिल्म में बेला के कैरेक्टर की देखने को मिलेगी वो आपको जहां बहुत सी जगह हंसाएगी तो वहीं बहुत सी जगह आपको थोड़ा बहुत सोचने समझने पर भी मजबूर करेगी और थोड़ा बहुत हैरान भी करेगी। इस फिल्म में साइंस, सेक्सुअलिटी, आइडेंटिटी और जेंडर जैसी थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है और फिल्म में सटायर कॉमेडी के साथ साथ सोशल इश्यूज पर कॉमेंट्री भी की गई है। ओवरऑल इस फिल्म की कहानी मजेदार है, बाकी कैरेक्टर्स भी इस फिल्म के फन टू वॉच हैं। कैरेक्टर्स के बीच कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन को आप इस फिल्म में मोस्टली इंजॉय करेंगे। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी बहुत जबरदस्त हैं। खास तौर पर एमा स्टोन की आपको एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस फिल्म में देखने को मिलेगी और बस यही नहीं, जो विजुअल स्टाइल है इस फिल्म का वो भी काफी क्रिएटिव और खूबसूरत है। ओवरऑल फिल्म का म्यूजिक, प्रोडक्शन वर्क सब कुछ बहुत आला है। इन शॉर्ट मेरी नजर में ये एक ग्रेट फिल्म है, इसलिए मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 9 out of 10 और आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को साईफाई कॉमेडीज देखना पसंद आता है तो फिर ये फिल्म आप लोग जरूर देखें, बहुत इंजॉय करेंगे। बस हाँ, ये फिल्म फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस फिल्म में आपको काफी सेक्स सीन्स देखने को मिलेंगे और न्यूडिटी भी देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।